इसको सॉल्व करके इसमें से k का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख देंगे सॉल्यूशन, इसे मैं उतार लूंगा। यह है sec स्क्वायर थीटा। थीटा क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कोण, एंगल। ठीक, फिर वन प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा बराबर के, के के जगह पर कुछ भी रह सकते हैं, ठीक है, बराबर देंगे, फिर इसे वही का वही उतार देंगे। और यहाँ पर आप इसको थोड़ा अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये a प्लस बी और दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, यानी कि इंटू, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है देखने में। तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको इस पर सेटिंग कर देंगे। ठीक है, सेम टू सेम लग रहा है देखने में। देखिए a है, यहाँ पे एक है, देखिए a a एक जैसा, एक एक, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, बी बी, साइन थीटा, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, यानी कि सेम टू सेम ये दोनों को कंपेयर आप करोगे, ठीक है, एक एक ही जैसा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बात। अब यहाँ पर भी दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना। आप यहाँ कोई भी ब्रैकेट दे सकते हो, ब्रैकेट मैंने यहाँ पे दे दिया, बड़ी कोष्ट बोलिए, या स्क्वायर ब्रैकेट बोलिए, या गुरु कोष्ट बोलिए, ठीक है, एक ही बात होता है। तो ये वाला कोष्ट दीजिए ब्रैकेट, या ये ब्रैकेट दीजिए, या यही ब्रैकेट दीजिए, समझने वाला तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर भी एक प्लस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बी का जगह पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, फिर ये डिब्बा बंद कर देंगे, ठीक है, जो डिब्बा इधर देंगे, जो ब्रैकेट इधर देंगे, वो ब्रैकेट इधर भी देंगे, एक ही टाइप का, ठीक है, इन्हें कि इधर कुछ और दे दीजिएगा, इधर कुछ और दीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, दोनों सेम रहना चाहिए, ओके। अच्छा, बराबर क्या है, क्या दे देंगे, फिर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए एक को कितना बार भी लिखेंगे, एक को दो बार, कितना बार भी लिखेंगे एक को, तो एक ही होगा, ठीक, माइनस तो माइनस, यानी कि एक दुना दो, एक को दो बार लिखेंगे तो एक गुने एक तो किन होगा, ठीक है, एक ही होगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे साइन थीटा को दो बार, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना गुना, देखिए वन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर के, ठीक है। फिर इस दोनों का फॉर्मूला एक होता है, इस दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है, तो एक होता है, एक दे देंगे बराबर के दे देंगे, देखिए तो के बराबर वन लिखेंगे, अतः इंग्लिश मीडियम से है तो लिख देंगे हेंस, या दस, टी एच यू एस दस, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना हो गया, एक हो गया, तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हो, इसके आगे ऐसे भी बना सकते हो, ये तो फर्स्ट में तोड़ता डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, सेकेंड में आप ऐसे भी बना सकते हो, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, आप अपना दे दीजिएगा, आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, वही का उतार दीजिए, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है, हो जाए ना, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, सेक थीटा ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, अब देखिए इससे ही कर गया तो फिर भी क्या हुआ ना, ठीक। फिर देखिए थर्ड मेथड, थर्ड मेथड सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या किया, इसका फॉर्मूला दे, इसको टच नहीं किए, अब हम इसका फॉर्मूला दे देंगे, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन बाई कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर यहाँ पे गुना देके कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये से ये कट गया, तो फिर भी देखिए नहीं हुआ ऐसे, क्लियर, मतलब इसको मैंने टच नहीं किया तो इसका फॉर्मूला दे दिया, अब इसको इसका फॉर्मूला दे दिया, मतलब इसका फॉर्मूला दे दिया, इसको टच नहीं किया, तो या तो ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, कुछ भी बनाइए, आंसर एक ही आना है।